एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कर, वेयर डेली वी यूज टू हैव दिस सेशन ऑफ न्यूज़ एनालिसिस. आज इस सेशन में जो टॉपिक हमें कवर करने हैं, जो आर्टिकल्स हैं दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू, पहला तो हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर है एंड फ्लरा कैसा फना वहाँ पर है, रिवर एसोसिएटेड, एवरीथिंग न्यूज़ में है. टाइगर रिजर्व्स जो भी होता है हम उसको साथ साथ कवर कर ही रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो लुक इन टू द मैप. मैं मैप आज आपको ज़रूर दिखाऊंगी और हर चीज़ में मैप देखते ही हैं. कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हो तो बिना मैप देखे अधूरा है वो, लेकिन आपको एट योर एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो ओपन दैट एटलेस. और एक वो मैप आता है ना 2 रुपये का, जो वॉल पे पेस्ट करो और ख़ुद से जाके लोकेट करो. तो ये थोड़ा यूपी घूम के आएंगे और बाकी बातें टाइगर रिजर्व जब आएगा तब कर लेंगे इसके बारे में. टकाकिया क्या है, एक स्पीशीज मतलब फ्लरा है, फना है, एनिमल है, प्लांट है, क्या है, कैसा दिखता है, तो जब पिक्चर सामने आएगी तो वो और क्लियर हो जाएगा. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, विल टॉक अबाउट इट. लिम्फेटिक फिलेरिसिस डिजीज़ क्या, कैसी है, कैसे होती है, क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या वर्ल्ड वाइड कोई प्रोग्राम चल रहा है इस डिसीज़ को लेके, और इंडिया का कोई टारगेट है कि आपको इसको एलिमिनेट करना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. देन यू हैव 2 आर्टिकल्स. आज ना हम कॉम्युनल वॉयलेंस के बारे में पढ़ेंगे. कॉम्युनल वॉयलेंस के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हाल फिलहाल जो हम देख रहे हैं हरियाणा में, नू में या फिर मणिपुर में जो हुआ, तो ये जो चल रहा है जो कॉम्युनल वॉयलेंस क्या है, इसके कारण क्या है, इनके पीछे हिस्ट्री क्या कहती है, सॉल्यूशन क्या है, इससे इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं. देखो, रिलीजन एक ना बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो यहाँ पे हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट हर्टिंग एनी सेंटिमेंट्स, देखो यहाँ पर ये प्लीज़ इंश्योर करना, ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ किसी भी केस स्टडी को मैं नहीं ले रही हूँ. यहाँ पर हम दिस टॉपिक एज अ होल कवर करेंगे बेस्ड ऑन द इंस्टेंसेस दैट वी आर सीइंग, और हम उसके रीजंस पे चलेंगे. राइट, किसी एक केस स्टडी नू में जो हुआ या मणिपुर में जो हुआ उनको नहीं, ओवरऑल कॉम्युनल वॉयलेंस के बारे में आज बात करेंगे. देन देर इज एन आर्टिकल दैट इंडिया नीड्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ये आर्टिकल बेसिकली थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन हम उसमें नहीं एंटर करेंगे. हमारे एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी. ऑल यू नीड टू डू इज़, अगर सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल. ठीक है, सो देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ये आर्टिकल लिखा गया है बाय सुब्रमण्यम स्वामी, सबको पता ही है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है ऑफ कॉमर्स एंड लॉ एंड जस्टिस. फोर्थ क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च 2023, इस क्वार्टर में GDP जो ग्रोथ रेट फिगर्स हैं वो NSO ने रिलीज किए हैं. ये फिगर क्या कहती है और यहाँ पर ऑथर का क्या कहना है वो डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस आर्टिकल सेज दैट जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही है वो बहुत कम है. ये आर्टिकल बात कर रहा है ग्रोथ रेट की ऑफ द कंट्रीज GDP फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर 2022-23. ग्रोथ रेट कंपेयर करी टू दिस सेम क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर और चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, मतलब GDP डिक्लाइन हो रहा है ओवर द ईयर्स. सो इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि सिंस द फिस्कल ईयर 2015-2016 आप देखो हर साल डिक्लाइन हो रही है. राइट, सो GDP ग्रोथ रेट हैज बीन डिक्रीजिंग ईच ईयर. सो इट पॉइंट्स आउट दैट GDP ग्रोथ रेट हैज नाउ फॉलन टू अ लेवल दैट वॉज रेफर्ड टू एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. 1970s में इंडियन इकोनॉमिस्ट रहे राजकृष्णा, सो
This term was coined by the Indian economist Raj Krishna in 1970s to describe the low economic growth rate that characterized India's economy during, you can say, much of like post-independence period, 1950s, 1980s के time की बात है. Term थोड़ी controversial भी रही है. एंड इंडिया की इकोनॉमी देखो 1950s 1960s के टाइम पे दिस टर्म वाज यूज्ड एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दैट डिटरमाइंस लो इकोनॉमिक ग्रोथ. वहां पर उस टाइम पे देखो इंडिया की इकोनॉमी बहुत से चैलेंजेस फेस कर रही थी. रेगुलेटरी हर्डल्स थे, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज भी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडोकेट नहीं था, सब्सटीट्यूशन और यू कैन सी वी वर फोकसिंग ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी एज कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग नेशंस. अब इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली इट हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंज. अब रैपिड ग्रोथ डेवलपमेंट 1990 ऑनवर्ड्स हमने देखने को मिली है, राइट. सो ये आर्टिकल के अंदर राइटर ये कह रहे हैं कि अभी क्या है, जो ग्रोथ रेट है इट हैज बीन डिक्रीजिंग एनुअली एंड दे हैव रेफर्ड दिस टर्म वंस अगेन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ विच इज अराउंड 3.5%. मैं ग्रोथ रेट की बात कर रही हूँ, दैट इज स्लो ग्रोथ रेट. प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखो यहाँ पर ना राइटर ने अब लीडर्स के टाइम पे मतलब जिसकी 2004 से 2014 तक में जब सरकार थी, तब 2014 में फिर सरकार चेंज हुई, तो उन सबको मेंशन किया हुआ है. वो हमारे एग्जाम के लिए एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल दे आर सेइंग दैट इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग मोर स्लोली एवरी ईयर एंड दिस टाइम इट्स ग्रोन सो स्लोली दैट इट्स लाइक गोइंग बैक टू स्लो ग्रोथ रेट दैट वी यूज टू कॉल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. तो यहाँ पर एज आई मेंशन कि ग्रोथ अंडर प्रीवियस लीडर्स ये दिखाई गई कि अब देखो कॉल रोलर कोस्टर राइड हो रखा है, थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. वी नीड टू रियलाइज कि बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए थोड़ी फ्रीडम चाहिए रहेगी, विच मीन्स दैट यू नीड टू गिव देम चांस टू मेक मोर मनी. और यहाँ पर ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन प्रिडिक्शंस हैं. मतलब ये राइटर कह रहे हैं कि एक तो होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक होना और एक होता है ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाना. तो आप जब प्रिडिक्शंस लगा रहे हो कि मेरे प्रिलिम्स में 200 में से 190 आ जाएंगे, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है. अच्छी बात है, हाई तो वेल एंड गुड, लेकिन नंबर्स ऐसे होने चाहिए that are optimistic, don't make like huge numbers, right? So यहाँ पर हमारे लिए जो हमें extract करना है वो ये है कि ठीक है ये सब है, growth rate भी कम है, क्या करें, क्या steps हैं, क्या करना है, अब क्या आगे क्या. तो मैं आपको 3-4-5 points दूंगी जो इस article में ही mentioned है. पहला तो clear plan is needed, a clear plan. क्लियर प्लान इज नीडेड. 2024 का अटेम्प्ट देना है, प्रॉपर प्लान है, वाई यू वॉन्ट टू अचीव, वट यू वॉन्ट टू अचीव, यू हैव द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू, यू मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वंस एट द टॉप, राइट. सो यू नो एवरी थिंग, क्लियर प्लान. ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर भी यू नीड टू हैव अ क्लियर प्लान अबाउट वट यू वॉन्ट टू अचीव विद द इकोनॉमी, वट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट. सो दीज थिंग्स नीड टू बी देयर. फिर सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रैटेजी और इंसेंटिव्स. स्ट्रैटेजी एंड इंसेंटिव. देखो प्लान बनाने के बाद गवर्नमेंट शुड डिसाइड व्हाट थिंग्स नीड टू बी एनकरेज, कहाँ इंसेंटिवाइज करना है और कहाँ रोकना है, व्हाट थिंग्स शुड बी स्टॉप. फॉर एग्जांपल इन टफ टाइम्स राइटर सजेस्ट कि गवर्नमेंट शुड स्टॉप कलेक्टिंग पर्सनल इनकम टैक्स फ्रॉम द पीपल, गेट रिड ऑफ जीएसटी ताकि बिजनेसेस एनकरेज हो, वो इन्वेस्ट करें, वो अर्न करें, और अपने रिसोर्सेज को, थर्ड है अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली यूज करो. पैसा जो टैक्स से आ रहा है आप कहाँ यूज कर रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो या कहाँ इंसेंटिव दे रहे हो, सड़कें बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हो, हेल्थ एडुकेशन. सो यूज योर रिसोर्सेज स्मार्टली, राइट. देन हेल्पिंग द मिडिल क्लास. यहाँ पर राइटर कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेसेस हैं दे शुड गेट लोन्स आल्सो विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट ताकि दे प्रोड्यूस मोर थिंग. वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दे विल हायर मोर आल्सो, राइट. सो दिस इज द केस.
करंट अप्रोच जो है दैट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज, ये राइटर कह रहे हैं। यहां पर देर इज अ कॉल फॉर चेंज, न्यू पॉलिसी बेसिकली, नीड ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज वेयर यू शुड हैव, दिस पॉलिसी शुड हैव क्लियर गोल्स, प्रायोरिटीज, प्लान्स टू अचीव दोज गोल्स एंड अ स्मार्ट वे टू गेट द मनी नीडेड टू मेक इट ऑल थिंग्स हैपन, राइट। उसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि एक तो आगे क्या, मार्केट सिस्टम, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे चीजें चलती हैं, सामने वाला प्रॉफिट भी कमाएगा, राइट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। मार्केट सिस्टम भी एक ऐसी गेम है जो रूल्स पे ऑपरेट कर रही है, जो रेगुलेशंस पे ऑपरेट करती है, या कॉम्पिटिशन फेयर हो, जहाँ स्टेबिलिटी भी हो, प्रिडिक्टेबिलिटी भी हो। सो दीज ऑल आर थिंग्स दैट आर असेंशियल टू मेक एनी इन्फॉर्म डिसीजन। सो राइटर कह रहे हैं कि मार्केट सिस्टम कोई रैंडम थिंग नहीं है, कोई क्योटिक थिंग नहीं है, इट्स लाइक अ गेम विद प्रॉपर रूल्स। इस सिस्टम के अंदर मेन थिंग इज दैट मेक इट वर्क इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन फॉर पीपल टू डू द थिंग्स, अब प्रॉफिट आएगा, राइट। कैपिटल, पैसा दैट कैन बी यूज फॉर न्यू आइडिया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर इट मेक्स फैक्ट्रीज मूव बेटर, इकोनॉमी ग्रो करती है। एंड इवन द कंट्री लाइक चाइना, जहां पर दे यूज टू हैव अ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, दे अंडरस्टूड दिस थिंग, दे चेंज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, दैट इज मोर मार्केट बेस्ड। फिर उसके बाद बैलेंसिंग डी रेगुलेशन, बैलेंसिंग डी रेगुलेशन, दैट मीन्स डी रेगुलेशन का मतलब रेगुलेशन कम होना, मीन्स फ्यूअर रूल्स फॉर बिजनेसेस, राइट। बट दिस डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा चला जाए, वो नहीं, देयर स्टिल नीड अ गवर्नमेंट टू हेल्प विद दीज थिंग्स, सेफ्टी नेट, मेकिंग श्योर कि एवरी वन गेट अ फेयर चांस डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स। एंड तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर फेयरनेस, सपोर्ट दोज हु आर इन नीड, प्रिवेंट द प्रॉब्लम। सो ऐसा एनवायरनमेंट जहां बिजनेस थ्राइव करे, जहां बिजनेस ग्रो करे, बेसिकली कम रूल्स एंड रेगुलेशंस हो और बैलेंस फाइंड आउट करो, क्रिएटिंग जॉब्स, हेल्पिंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स, राइट, सोशल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, मेक श्योर एवरी वन स्पेशली द पुअर हैज अ स्टेक इन द सिस्टम। सो ये चीजें हैं जो करने की जरूरत है, जहां पे आर्टिकल में ये पूरा मेंशनड है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो है कॉम्युनल वॉयलेंस को लेके। कॉम्युनल वॉयलेंस क्या है? आज के टाइम पे ब्रदरहुड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दैट वी आर फेमस फॉर, हम किस में अड़े हुए हैं? देखो आइडेंटिटी ना, हर किसी के लिए अपनी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अबव ऑल वी ऑल आर इंडियन, राइट। सो जब लोग लड़ते हैं, जब क्लैशेस होते हैं बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज, रीजनल आइडेंटिटीज, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज, एथनिक आइडेंटिटीज, सो दैट इज द वॉयलेंस दैट इन्वॉल्व क्लैशेज बिटवीन दीज ग्रुप्स, दैट इज योर कॉम्युनल वॉयलेंस। इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, इट कैन इन्वॉल्व सिक्किम, सिक्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, दलित, ट्राइबल्स। और ये कॉम्युनल वॉयलेंस की हिस्ट्री इंडिया के अंदर लॉन्ग हिस्ट्री है। आप देखो मोपला रेबिलियन ऑफ 1921, नाखोली रॉयट्स ऑफ 1946, 1947 में पार्टीशन रॉयट्स हुए, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1992, अभी मणिपुर का वॉयलेंस और अभी रिसेंटली नू का वॉयलेंस। जो ये कॉम्युनल वॉयलेंस हो रहा है, इसके कॉजेस क्या हैं? खुद से सोचो, क्या पॉलिटिकल कॉजेस होंगे, क्या सोशल कॉजेस होंगे, क्या कल्चरल कॉजेस होंगे, क्या इकोनॉमिक कॉज होंगे, अवेयरनेस है, एडुकेशन है, राइट, पॉलिटिकल गेन्स को लेके भी हो सकता है, सोशल कॉज भी हो सकता है। मान लो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सामने वाले को नहीं मिल रही है, मान लो मुझे कोई चीज़, लेट्स से फॉर दैट मैटर यू कैन से सोशली एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, आप लगा लो सिंपल टर्म्स में, जब डिस्क्रिमिनेशन होगा दो लोगों के बीच में, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ क्लैश, राइट। सो सोशल डीप रूटेड जो स्टीरियोटाइप्स हैं अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, जब
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, तो ये सब सोशल कॉजेज है दैट लीड टू कम्युनल वायलेंस। इकोनॉमिक कॉजेज में आप डिस्क्रिमिनेशन लगा लो, मैं हूँ और मेरा भाई है, राइट? अब मुझे किसी चीज़ के लिए 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, मेरे भाई को 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट? और यहाँ पर फॉर दैट मैटर अगर आप लगाओ एक ब्रेड के लिए 4 लोग लड़ रहे हैं, राइट? तो कंपटीशन फॉर दी स्कार्स रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लोग लड़ेंगे आपस में। सो जब रिसोर्सेज हो, जब अपॉर्चुनिटीज हो, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जब इनइक्वालिटी नहीं हो, गरीबी नहीं होगी, सो ऑब्वियसली क्लैशेज नहीं होंगे। देन यू हैव कल्चरल फैक्टर्स, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, देखो सामने वाले का कैसा है। आप फ्लैट में रह रहे हो, एक फ्लैट में आपका लाइफस्टाइल, रहने का तरीका अलग है, आपके पार्टनर का जो आपके सेम रूम में रह रहा है उसके रहने का तरीका अलग है, तो लाइफस्टाइल अलग है। कभी कभार क्या होता है, जब दो अलग अलग लोगों के लाइफस्टाइल अलग है तो वहां पर वैल्यूज क्लैश होती है, दैट इज योर कल्चरल फैक्टर। सो द क्लैश ऑफ वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल्स बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज ऑल्सो, तो यहाँ पर क्या आता है, इट लीड्स टू वॉयलेंस समटाइम्स। सो दिस चैलेंज जो है, ये जब आप ऑर्थोडॉक्स हो या फिर आप कंजर्वेटिव हो, ये जिस तरीके की आपकी सोच, आपका लाइफस्टाइल होगा, दैट विल ऑल्सो बी वन सच फैक्टर इंक्लूडेड इन योर कल्चरल फैक्टर्स। एडुकेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी चलती है आज, ट्रस्ट नहीं है सामने वाले पे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉम्युनल वॉयलेंस। फिर उसके बाद कॉम्युनल वॉयलेंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कॉम्युनल वॉयलेंस। ह्यूमन लाइफ लॉस होता है, बिल्कुल होता है। फिर डिसइंटीग्रेशन, सोशल डिसइंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है। फिर क्या होता है, और क्या पॉइंट्स ले सकते हो आप यहाँ से, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होती है, इकोनॉमिक सेटबैक लगता है, इकोनॉमिक सेटबैक, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो सर्वाइवर्स होते हैं, यू सी डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ऑब्वियसली थ्रेट और चैलेंज पड़ता है टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, सो दीज ऑल आर द थिंग्स। कॉम्युनल वायलेंस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, बिजनेसेस, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, वर्शिप। सॉल्यूशन क्या है, अब बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपसे तो ये पूछा जाएगा कि भैया प्रॉब्लम तो हम सबको पता है, आप बताओ कि अब करें क्या। सॉल्यूशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क सबसे पहले, राइट? हेट स्पीचेस नहीं होनी चाहिए, हेट क्राइम्स, कॉम्युनल राइट्स, सो देर शुड बी इनेक्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करो, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, बॉडीज बनाओ जो एम्पावर्ड हो, जो इंडिपेंडेंट काम कर सकें, इंडिपेंडेंट हो, मतलब एजेंसीज दैट मॉनिटर, दैट इन्वेस्टिगेट द कॉम्युनल वायलेंस, दे शुड बी इम्पार्शल। एडुकेशनल रिफॉर्म्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मीडिया, कॉम्युनल हार्मनी यहाँ से लानी जरूरी है। को एग्जिस्टेंस, इंटर कॉम्युनिटी डायलॉग, कल्चरल आपके करिकुलम में, टेक्स्ट बुक्स के अंदर टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स, राइट? इकोनॉमिकली वही गरीबी अगर हट जाएगी, इनइक्वालिटी हट जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हटेगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, सो इट इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। कल्चरल, आप लोगों के कल्चर को सीखो, घूमते हैं ना जब हम, मतलब कल्चर को पहचानो, उसको एम्ब्रेस करो, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करो, राइट? सो प्रिजर्विंग दैट कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, दैट इंडिया इज नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। कम्युनिटी एंगेजमेंट्स, दैट शुड बी वन सच वन पॉसिबल सोल्यूशन। तो मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी,
So these all are the things that can be worked upon, and youth engagement. So these are the things that work as a possible solution. ठीक है, अब यहां से अगर आपके पास एक आंसर लिखने को आए तो आप बहुत ही ब्यूटिफुली आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट यू हैव पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो न्यूज में है, जो हमें पढ़ना है. यूपी में है, ऊपर देखो थोड़ा ना उत्तराखंड भी एंटर कर लेते हैं थोड़ा सा, राजा जी और जिम कॉर्बेट है. नीचे यूपी एंटर कर जाओगे तो पीलीभीत और दूधवा है, फिर थोड़ा बिहार एंटर कर जाओगे तो वाल्मीकि है. तो ये आपको मैप पता होना चाहिए. गोमती नदी बह रही है, गोमती से आप देखो ये किसी की ट्रिब्यूटरी है क्या, गंगा की रिवर सिस्टम मैंने बोला था पढ़ लो, हिमालयाज मैंने आपको बोला था ये पढ़ लेना. अगर आप फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को रेगुलरली रिलीजियसली तो आपके लिए चीज़ें आसान हैं. अगर आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट होमवर्क भी नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का. एक दिन आके चार दिन चले जाओ, राइट. ये जो आपको एडवाइस दी जाती है आप ही के अच्छे के लिए, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको दो दिन बाद कहीं ना कहीं वो काम आएगी आएगी, वापस से चीज़ें रिपीट होंगी, और आपको अगर बोला जाएगा कि वो करा था होमवर्क तो वो देखना, वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे, राइट. पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, बैराज डिस्ट्रिक्ट यूपी की, वहाँ पर हिमालयास के फुटहिल्स पे इंडो नेपाल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे लाई करता है प्लेन्स ऑफ तेराई. गोमती ओरिजिनेट करती है, शारदा सागर डैम है, नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप वेजिटेशन है. साल फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और एनिमल्स में टाइगर, लेपर्ड, डियर, फ्लोरिकन, ये सब. ये इसकी बात हो रही है टकाकिया. क्या है ये? एनिमल नहीं है यहाँ पर, आप देख रहे हो, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मॉस दैट हैज अडेप्टेड टू लिव इन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स. सो इफ यू सी फ्रॉम फार अवे, एक्सक्यूज मी, सो इफ यू सी फ्रॉम फार अवे इट माइट सीम लाइक अ थिन लेयर ऑफ ग्रीन स्टफ ऑन द रॉक, बट इफ यू लुक क्लोजर यू विल सी दैट इट्स मेड अप ऑफ दीज टाइनी स्ट्रैंड्स. पिक्चर देखो क्लियर होगा, राइट. इट इज अ प्लांट दैट हैज चेंज टू सर्वाइव इन द प्लेसेज जहां पर बहुत ठंड हो या देर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट, तो वहां थ्राइव कर सकता है. इट हैज दोज टाइनी स्ट्रैंड्स दैट आर अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इन स्ट्रैंड्स पे यू विल सी फिंगर लाइक लीव्स ऑन देम. कहां पाए जाते हैं? सो देर आर, मतलब इट हैज टू काइंड्स. दोनों मैं आपको है ना, मैं पहले इसलिए सब बोल रही हूँ ताकि आप ये पिक्चर से क्लियर कर लो, बाकी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है. इट हैज टू स्पीशीज, लेपिडोजॉइड्स एंड टी सेरेटोफाइला, दोनों तिब्बतन प्लेटू में आपको देखने को मिलेंगी. दे हैव दिस एबिलिटी टू सर्वाइव फ्रॉस्ट, लाइफ थ्रेटनिंग यूवी रेडिएशंस एंड अदर हैजार्डियस कंडीशंस. इसमें मॉसेस, लेवरवोस्ट और ग्रीन एल्गी, इन सबके फीचर्स, कंबाइंड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. रही बात मॉस की, सो इट इज स्मॉल नॉन वैस्कुलर स्पोर बियरिंग लैंड प्लांट्स. मॉस बेसिकली दे आर लाइक स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट डज नॉट हैव ट्यूब्स टू कैरी वाटर अराउंड लाइक जैसे बिगर प्लांट्स डू. दे आर लाइक टाइनी प्लांट्स दैट ग्रो इन द लैंड एंड मेक स्पोर्स. ये क्या करते हैं? ये बाकी प्लांट्स के लिए, यू विल सी दे आर लाइक नेचुरल हेल्पर्स. रॉक्स पे ग्रो करते हैं एंड दे स्लोली ब्रेक डाउन दी सर्विसेज ओवर टाइम. दे लाइक प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अदर प्लांट्स, इरोजन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, हेल्पिंग द प्लांट्स ग्रो. सो दैट इज वाई देवर इन न्यूज. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ दिस प्रोग्राम फ्रॉम 2017-18 टू 2020-2021. 15th August 1995 is when this program was launched. ये किस लिए है? जो विडोज हैं, डिसेबल्ड persons हैं, person belonging to below poverty line households and bereaved families on the death of primary breadwinner, जो घर पे जो एक इंसान जो आटा दाल रोटी जिसके वजह से चल रहा था वो नहीं रहा, राइट. सो वहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज को, डिसेबल पर्सन्स को, एज पर्सन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर प्रोग्राम है एंड यू मस्ट बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन. और इसके अंदर
इट कंप्राइजेज ऑफ फाइव स्कीम्स. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसके अंदर एलिजिबल एज इज 60 ईयर्स, पेंशन मिलेगी ₹200 पर मंथ अगर आप 60 से 79 ईयर्स के हो. अगर आप 80 अबव हो तो ₹500 पर मंथ. विडो पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप 40 ईयर्स एज है तो 300 पर मंथ पेंशन है, और अगर 80 अबव हो तो 500 पर मंथ. ऐसे ही डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर भी डिपेंडिंग अपॉन द एज, 18 से 18 है और डिसेबिलिटी लेवल हैज़ टू बी 80%, तो 300 पर मंथ मिलेगा. अदरवाइज 80+ हो तो 500 पर मंथ. नेशनल फैमिली बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दैट ब्रेड विनर तो 20,000 विल बी गिवन एज द लंपसम असिस्टेंस, और जो ब्रेड विनर शुड हैव बीन बिटवीन 18 to 60 ईयर्स ऑफ एज. अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर फूड सिक्योरिटी है, इसके अंदर 10 किलो फूड ग्रेन वीट और राइस दिया जाता है पर मंथ पर बेनिफिशरी, राइट. सो ये चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, याद करोगे तो अच्छा रहेगा. और इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. लिम्फेटिक फ्लेरिसिस के बारे में हम मंडे को कवर करेंगे, थोड़ा सा डिटेल मिलेंगे उसको. एंड सो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. गुड लक एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.